तमाम वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भाई गाड़ी में छाता होगा, छाता की व्यवस्था कर दो, जब हमारी सुबह दो साथियों, आप ये यात्रा लेके हम निकले हैं और इस राजभवन में खास करके उत्तर प्रदेश में बलिया में आज हमारे पुत्र रणवीर जी भी यहाँ उपस्थित है और बेटी मुस्कान भी यहाँ उपस्थित है और धर्म पत्नी भी यहाँ पे कविता साली भी यहाँ उपस्थित है और आप लोगों से जुड़ने के लिए यहाँ हम लोग यात्रा कर मुंबई से यहाँ आए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। साथियों, इस देश को आजादी दिलाने में ना जाने हमारे कितने पूर्वज शहीद हुए, हजारों लाखों की संख्या में हमारा समाज यहाँ पे बलिदान दिए, इसलिए दिए कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो सर उठा के जिए। देश जब आजाद होगा हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, लेकिन देश तो आजाद हुआ लेकिन आप लोग हम लोगों को एहसास हो रहा है कि आजाद भारत में हम सर उठा के नहीं जी रहे। इसके लिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अधिकार के लिए जीना है, तो आपको दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के शिक्षित कीजिए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप संकल्प कीजिए कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप संकल्प कीजिए कि अगर आपके अगल अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में कोई बच्चा अगर अच्छा है, पढ़ने वाला है, आप उनको मदद कर दो, उनको पढ़ाने का काम कीजिए। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और दूसरा, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज देखिए, जो लोगों ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, आज देखिए वो समाज कहां से कहां पहुंच गया। जैसे मुलायम सिंह यादव थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव थे, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, सभी लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद किया। आज देखिए वो लोग कहां से कहां पहुंचा है। उन्होंने दल बनाया और तब दल बना, आप लोगों ने साथ दिया, उनके समाज में साथ दिया, वो पार्टी देखिए कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए साथियों, आप लोग भी संघर्ष कीजिए, आपका भी दल बन चुका है, आप भी संघर्ष कीजिएगा, आने वाला समय में जो है आपके आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा। इसलिए साथियों, आज देखिए मुझे, आज मैं इस मैदान तक पहुंचा हूं संघर्ष के बदौलत। आज जिस जगह आप हैं उसी जगह मैं भी था। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐसा और आपकी जिंदगी जीने लगा। कामयाबी की बुलंदी को मैंने चुना और संघर्ष किया। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। अब पिछले 9 सालों से अपने घर परिवार को छोड़कर आज आपके बीच में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज ऐसा और आपकी जिंदगी को छोड़कर आज आपके जिंदगी के लिए, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें जरूरी है आपको साथ देने का। आप कंधे से कंधे मिलाइएगा तो निश्चित तौर पे हम जो लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं वो लड़ाई में हम सफल होंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पहले 10 साल पहले इस निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन इस समाज को आज बिहार से लेकर दिल्ली तक देश के हर कोना में निषाद समाज को जानने पहचानने लगा। यही हमारी जीत है। आज जब हमने लड़ाई लड़ा, बेड़िया में हमने विधायक को कैंडिडेट दिया, टिकट दिया और आप लोगों ने उनको साथ दिया और 30,000 वोट लाया, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया कि वीआईपी पार्टी का भी वोट है। इसलिए साथियों, आपको संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। आज अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है, आपके आने वाला पीढ़ी जो है, कम संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने
देश आजादी के बाद एक गरीब मछुआरों का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने वोट को शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आज यूपी बिहार झारखंड में निशाद के पास 15% वोट है और 15% वोट वो है, वो ताकत है जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये शक्ति आपके पास है, सिर्फ जरूरी है इस शक्ति को पहचानने का। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन उनको पता नहीं था कि सात समुद्र पार कर सकता है, लेकिन जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप सात समुद्र पार कर सकते हैं, जब उनको एहसास हुआ तो सात समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति वही ताकत यूपी बिहार के निशान के पास है कि अगर अपनी शक्ति को अपनी ताकत को पहचान लेगा तो पटना दिल्ली क्या हम दिल्ली में पटना उत्तर प्रदेश क्या हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं, ऐसी ताकत हमारे पास है। इसलिए साथियों हम लोग सर पे कफन बांध करके बिहार से निकले हैं, आपके बीच में आए हैं, अपने हक अधिकार के लिए अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और संकल्प लीजिए। हम लोगों ने एक नारा देके निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे, ऐसे संकल्प करने के लिए आए साथियों। इसलिए साथियों आप सभी को संकल्प लेना है, उनको दिखाना है जो दिल्ली में बैठे हैं उनको भ्रम है, उनको भ्रम है। आज वो लोकतंत्र को नहीं जानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र पे नहीं जा रहे हैं, आज जनता के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। आज क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा ऐसा है कि बनी हुई सरकार को गिराता है, किसी गरीब का बेटा संघर्ष करके 4 को विधायक बनाता है तो उनके पास पैसा है विधायक को खरीदने के लिए, आज उसको जनता को नहीं है, उनको घमंड है कि हमारे पास पैसा है। और गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ऐसे समाज जो है वो वोट बेचता है, उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है। फिर 2024 का चुनाव आएगा, हम मीठी मीठी बातें करेंगे और निशाद समाज को 500 रुपया 1000 रुपया देकर हम वोट खरीदने का काम करेंगे। आज वो गलतफहमी का शिकार है, उनको ये नहीं पता है कि आज का निशाद जो है वो जागरूक है, वो 1990 वाला निशाद नहीं है, आज का युवा निशाद है जिसके पास हर आदमी के युवा के पास हाथ में मोबाइल है। उनको पता है कि आज उनका समाज कितनी तकलीफ में जी रहा है, आज का निशाद जो है वो खून पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है, अपने वोट को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आज का संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार के लिए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए वोट को बेचेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब ये बात दिल्ली वाले को पता चलेगा, योगी जी को पता चलेगा, या मुलायम सिंह या अखिलेश जी को पता चलेगा, या राहुल गांधी जी को पता चलेगा, तो उनको भरम टूटेगा, वो मानेंगे कि अब निशाद का वोट बिकेगा नहीं, निशाद का बेटा जो वोट गिराएगा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। तो इसी को भरम को हम सभी को तोड़ना है, और ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा जब आप हाथ में गंगा जल लेगा, संकल्प कीजिएगा और वीडियो कैमरा वाला जो है वो वीडियो बनाएंगे और गांव के अगल बगल में भी बांटा जाएगा और दिल्ली में हम भेजेंगे। और जब रात को देखेंगे, रात को जब मोदी जी देखेंगे अरे यहाँ उत्तर प्रदेश में बलिया में बेरिया विधानसभा में हर एक निशान का बेटा, हर एक निशान का बहन, हर एक निशान का माता, हर एक जवान, हर एक सम्मानित गार्जन, एक एक लोग अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है। उनको एहसास होगा कि अब निशान का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, आने वाला समय में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो क्या अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? आप संकल्प करने के लिए तैयार है? हाँ तो संकल्प करना है। अभी आपके मंच पे हम देख रहे हैं नीचे में जितना नेता उससे कई गुना ज्यादा नेता है, और मैं कहूंगा गंगा जल भाई वाले भाई से कि गंगा जल ऊपर में बंटवाओ सब नेता को, क्योंकि चुनाव में है ना नेता पहले बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले नेता को पहले संकल्प करवाना है और उसके बाद भी जनता को भी और हर किसी को
अगर विशाल समाज है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आपको संकल्प लेना है और मोदी जी को दिखाना है। इसलिए गंगा जल बट रहा है तो गंगा जल का ढक्कन को खोलिए और जैसे पंडित जी आपको शुद्ध करने के लिए देते हैं ना गंगा जल, तो हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी लोगों को देने का काम कीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए। और जब हाथ को ऐसे कीजिएगा तब एक एक चेहरा और एक एक लोग जब आएंगे वीडियो कैमरा में कवर होंगे, कैप्चर होंगे कि निशान का बेटा संकल्प लिया जा रहा है। तो हाथ को ऐसे कीजिए सभी लोग, हाथ में गंगा जल लीजिए। चलिए संकल्प पत्र दीजिए, हम संकल्प पत्र पर पढ़ रहे हैं और सभी लोगों को देने का काम कीजिए। सब हाल बनो बाबू, अरे ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलो, सभी लोगों को हाथ ऊपर करो, तब ना मोदी जी को वीडियो दिखेगा और उसको दिखेगा कि किसान का बेटा का वोट दिखेगा नहीं। चलिए मैं रणवीर टीवी ले रहे हो, अरे रणवीर टीवी लो, हाँ सब आदमी लो। मैं प्रभु श्री राम भगवान गौराज के साथ, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर साई चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि अपने समाज, अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, संघर्ष करूंगा और अपनी अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा, के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे काबिल बनाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक घर निषाद के घर में जाएंगे, एक एक घर निषाद जाएंगे, उसको संकल्प करवाएंगे, उसको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद, जय आपके जिला में बटेगा और जिला के हर लोगों को, अरे वाह चले तो सब लोग देखेंगे और ये वीडियो मोदी जी तक जाएंगे और मोदी जी भी देखेंगे कि अब निशांत का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेगा। आज मैं आपके पास आया हूँ, तमाम बड़े संख्या में मैं युवा को देख रहा हूँ, युवा सभी लोग आपके पास गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था किया जाएगा पार्टी के तौर से। हर एक निशांत के घर पे जाइएगा और निशांत का बेटा है, हर चौक चौराहे पे उनका हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाइएगा और वो वीडियो बनाइएगा और वीडियो का अगल बगल में प्रचारित करिएगा। और जब प्रचार होगा तो अगल बगल के लोगों को भी दिमाग का बत्ती क्यों चलेगा और उन्होंने जब निशान का वोट बिकेगा नहीं और मोदी जी तक ये वीडियो हम भेजेंगे और मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि निशान का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। इसलिए आप सभी साथी को और जिला अध्यक्ष हमारे हरेराम सहनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है और ये संकल्प यात्रा 100 दिन तक लगातार चलने वाला है। हम बिहार, यूपी, झारखंड में अलग अलग जिला में घूमेंगे और आप लोगों का दायित्व है कि हर एक निषाद के घर पे जाना है, हर एक निषाद को बेटा को संकल्प करवाना है और वीडियो बनाना है और वीडियो को मोदी जी तक भेजना है। वो देखेंगे, वो डरेंगे और वो डरेंगे तो आपका समाज का आरक्षण लागू करेंगे। आज बंगाल में आरक्षण है, आज दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है तो हम लोग यूपी बिहार में निशान को आरक्षण दिलाएंगे। आरक्षण हो जाएगा तो आने वाला समय में निशान का बेटा कलेक्टर होगा, एसपी होगा, दरोगा होगा, बड़े बड़े अधिकारी होगा, डॉक्टर होगा, तमाम ऐसे चीजें होगा और आरक्षण हमारा अधिकार है। जब तक लड़ेंगे नहीं और हम बिहार के धरती से आए, दशरथ मांझी के धरती से आए हैं और दशरथ मांझी ने कहा था, एक डायलॉग दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम भी जब
जब दिल्ली वाले को छोड़ेंगे नहीं, अब तक छोड़ेंगे नहीं, आरक्षण देके रहेंगे। तो हर एक नौजवान, हर एक गांव में जाकर अपने एक ही संकल्प लेना है कि जब तक जो हमारा अधिकार छीन के रखा है, हमें गुलाम बना के रखा है, उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।